तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और ये है मेरे पास Realme GT Neo 3T। और अगर आपके पास भी यही डिवाइस है तो आपका इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है आपने इस वीडियो को क्यों क्लिक किया है, क्योंकि आपको चाहिए C.08 अपडेट का एक डिटेल्ड रिव्यू। तो यहाँ पर इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है C.08 का लेटेस्ट अपडेट, जो 5GB के आसपास का आया था। तो उस अपडेट के बाद मैंने इसे अच्छा खासा यूज किया भाई, घर के अंदर, आउटडोर, इनडोर, नाइट में, डे में, हर सिचुएशन के अंदर मैंने इसे यूज किया है। और उसके हिसाब से आज मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू एज ए यूजर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो के अंदर मेरी पुरानी वीडियोस के भी रेफरेंसेस होंगे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स जरूर चेक कर लेना। तो इंट्रो चलने देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट चल रहा है C.08 का। 5GB के आसपास का इसका साइज था, काफी मैसिव साइज का अपडेट आया था। इसके अपडेट लॉक की बात करें तो इसके अंदर आया था व्हाट्सएप कॉल का ऑप्टिमाइजेशन, फिर है सिस्टम स्टेबिलिटी, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, ऑप्टिमाइज पावर कंजप्शन इन सम सिनेरियोस। तो ठीक है, ये इसका टोटल अपडेट लॉक था। अब बात करते हैं इसे अपडेट करने के बाद क्या क्या मेरे को चेंजेस फील हुए हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में। वीडियो को डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर कैटेगराइज कर रहा हूँ। और मेरे पास एक यूजर का कमेंट भी आया था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि डिटेल वीडियो में बैटरी टेस्ट, कैमरा टेस्ट विद फोटो एंड वीडियो एग्जांपल एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस टेस्ट के साथ साथ बग्स के बारे में भी बताना या बताया करो। तो ये पॉइंट्स भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। पहला डिपार्टमेंट है इसका बैटरी डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आते हैं दो सेक्शन, एक है बैटरी का बैकअप और दूसरा है उसकी चार्जिंग स्पीड। अब दोनों के ऊपर ही मैंने डिटेल्ड में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, अगर आपको सेपरेट चेक करनी है जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ इसका जो मेरे को चार्जिंग टाइम अप्रोक्स मिल रहा है 0 to 100, अगर मैं नॉन यूज में बताऊं तो 40 मिनट के आसपास मिल रहा है, और अगर मैं इसे यूज करते करते या फिर बीच में यूज कर रहा हूँ तो 50 मिनट के आसपास मान के चलो। तो 5000 एमएच की बैटरी 80 वॉट पे ये अप्रोक्स 40 मिनट के आसपास। अगर हम बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो देखो भाई, स्क्रीन ऑन टाइम आपको 5 घंटे से लेके 7 घंटे के बीच में मिलेगा, डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। अगर आप हैवी यूज कर रहे हो तो आपको 5 घंटे के आसपास मिलेगा, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको 6.5-7 घंटे का आराम से बैठेगा। और स्नैपड्रैगन 870 को अगर हम कंसीडर करें तो ये बैटरी बैकअप, ये स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलना बहुत बड़ी बात है, अगर मैं इस प्रोसेसर के हिसाब से देखूं, क्योंकि काफी पावरफुल प्रोसेसर है ये, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरी तरफ से थम्स अप है, ये अपडेट के अंदर कोई ज्यादा डाउनग्रेड या कुछ ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट है वो है कैमरा। अब भाई देखो, कैमरे की अगर हम बात करें तो देखो फोटोज के मामले में कैमरे के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, बहुत बढ़िया कैमरा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम वीडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो वीडियो के अंदर हल्के फुल्के लैग आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कैमरा यूआई की बात करें तो भाई देखो, कैमरा यूआई रियलमी का ऑफिशियल कैमरा हमेशा आपको स्लो ही मिलेगा। देखो मैंने ओपन कर दिया है और ये बीच में कभी कभार स्टटर भी करता है, और अगर हम मोड्स चेंज करेंगे तो उसके अंदर भी ये टाइम लेता है, तो फास्ट, सुपर फास्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ये की अब से नहीं है, काफी टाइम से है, और Realme 3.0 से ही इसके अंदर ये मेजर प्रॉब्लम आ रही, ये प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली है। तो कैमरा डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते देखो भाई, आउटपुट में फोटोज के मामले में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत बढ़िया फोटोज कैप्चर कर रहा है, लेकिन वीडियो के मामले में हल्के फुल्के आपको वीडियोस में लैग देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एक मेन चीज की, वो है इसकी रैम मैनेजमेंट। अब देखो भाई, रैम मैनेजमेंट हो सकता है आपको काफी बढ़िया मिले, लेकिन मेरे को इसकी रैम मैनेजमेंट में काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, और ये अब से नहीं है, काफी टाइम से आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं क्रोम को ओपन कर रहा हूँ और उस बीच में मैंने 2-3 ऐप में स्विच कर रहा हूँ, 3 ऐप भी मेमोरी के अंदर प्रॉपर नहीं रख पाता। मेरे पास जो ये वेरियंट है ये 6GB 128GB वाला वेरियंट है, हो सकता है 8GB वाले के अंदर ऐसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन 6GB वाले के अंदर ऐसा है। अगर आप 3 से 4 एप्स रख रहे हो तो यहाँ पर ये उसे रिफ्रेश कर देगा, मेमोरी के अंदर नहीं रखता। ये आई थिंक थोड़ा फास्ट करने के लिए रियलमी ने सॉफ्टवेयर के अंदर ही ट्वीक किया हुआ है कि ज्यादा एप्स को ये बैकग्राउंड में ना रखे, जिससे फोन हैंग होता है, तो ऐसा ये ना करे। तो ये चीज भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। मेजर यहाँ पर पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, मेन पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं।
तो देखो भाई फोन काफी स्टेबल है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ काफी स्टेबल मेरे को फील हुआ, लेकिन सम टाइम कुछ कुछ पॉइंट्स पे आपको ये हल्का फुल्का लैग देखने को मिलेगा, और लैग भी अच्छा खासा, मतलब आपको ढंग से नोटिस होगा, एक को एक ने अगर आप अगर आपने एक चीज पे टैप कर दिया और दूसरे पे अगर आप टैप करोगे तो उसमें अच्छा खासा डिले आपको महसूस हो सकता है। हालांकि मैंने 120 हर्ट्ज पे इसे रखा हुआ है, तो ये चीज आपको भी फील हो सकती है, और अगर आपको हुई है तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो पर्सनली फील ये हुई है। तो स्टेबिलिटी के मामले में 98% मैं कह सकता हूँ ये काफी बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन 2% सम टाइम आपको अच्छा खासा ये स्लो और लैगी फील करवा देता है। तो स्टेबिलिटी का मामला ये है। और उसके बाद अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, अब देखो काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग अंतुतु स्कोर और Geekbench स्कोर इन पे ज्यादा भरोसा करते हैं रियल लाइफ यूजर्स के मामले में, तो मैं आप सभी के लिए वो भी बता देता हूँ। हालांकि मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना लिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, देख लेना परफॉर्मेंस टेस्ट के मामले में कि अंतुतु स्कोर इसका क्या रहा है। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो 8,30,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर आता है। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो 628 GB का 8,30,000 8,27,000 के आसपास आया है। और अगर हम Geekbench की बात करें तो स्कोर आप सभी के सामने यहाँ पर आ रहा है सिंगल और मल्टी कोर का, मेरे को फिलहाल याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 1200 समथिंग आ रहा था, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर हम मैं स्कोर को साइड कर दूं और नॉर्मली परफॉर्मेंस की बात करूं, तो देखो भाई परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन 870 इसके अंदर लगा हुआ है, और अभी भी वो अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस पे काम करता है, अच्छी खासी पीक परफॉर्मेंस आपको इस फोन के अंदर आपको दे देगा, भले आप कोई भी काम कर लो। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार BGMI आ चुकी है, सर्वर लाइव हो गए हैं, एक बार मैं BGMI इसके अंदर इंस्टॉल करूँ और C.08 पे देखूँ कि BGMI की क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप चाहते हो नीचे कमेंट करें मेरे को जरूर बताना, वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी अगर आप कमेंट करते हो तो स्पेशली। तो ये इसका अपडेट का C.08 का रहा है सारा मामला, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स के अलावा भी इसके अंदर कुछ और रह गया है, जैसे बग्स क्या क्या आए हैं, तो देखो भाई बग मेरे को कुछ खास फील नहीं हुए हैं, कुछ भी खास मेजर बग इसके अंदर मेरे को नहीं फील हुआ है। और अगर हम बात करें कुछ नया फीचर इसके अंदर ऐड हो गया है तो वो भी यहाँ पर नहीं है। आई थिंक रिफ्रेश रेट एडजस्टमेंट का हुआ था, तो बस वही एक मेजर अपडेट या चेंजेस इसके अंदर हमें देखने को मिला है। तो ये है ओवरऑल C.08 का Realme GT Neo 3T के अंदर एक इन डेप्थ रियल टाइम डिटेल्ड रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको C.08 अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपके मन में कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और चाहते हो कि मेरे को इसमें कवर करना चाहिए था, तो नीचे कमेंट कर देना बिंदास, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, 1000 फॉलोअर्स करवा दो यार। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thanks for watching.